हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 कर ली होगी। अब हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। ये जो है एलिमिनेशन मेथड, ये आपके एक्सरसाइज 3.4 पे बेस्ड है कि अब ये जो मेथड है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम ये पढ़ेंगे। तो जैसे कि मान लो हमारा एक्सरसाइज 3.4 का जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, जैसे हमें दो इक्वेशन दे रखे हैं, x प्लस 5 y इक्वल टू 5 और दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब हमें इसको सॉल्व करना है और हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? अब हमें एलिमिनेशन मेथड में करना क्या होता है, हमें ये करना होता है कि या तो हम x के नंबर को सेम बनाएं या तो हम y के नंबर को सेम बनाएं, ये हमारे ऊपर है। तो बेसिकली हम लोग x को सेम बनाते हैं। अब देखो ये यहाँ पे क्या है, x के साथ क्या है 1 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन x के साथ यहाँ पे क्या है 2 है। तो हम क्या करेंगे, हमने अगर इस इक्वेशन को 1 मान लिया, इस इक्वेशन को 2 मान लिया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी इक्वेशन 1 है मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन 1। तो मेरी जो इक्वेशन 1 होगी वो क्या बन जाएगी, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये चीज हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब ये हो गई इक्वेशन, ये तो मेरी फर्स्ट थी, तो अब ये मैं फर्स्ट तो लिख नहीं सकती, तो मैंने इसको ले लिया 3। और इसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या थी मेरी, वो भी मैंने लिख दिया यहाँ पे, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब देखो जो हमारा ये है नंबर, ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए हमारे, तो हाँ ये सेम हो गए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? अब देखो मैंने क्या करा है, ऐसे मैंने लाइन खींच दी। अब क्या होगा, साइन हम चेंज करेंगे, जैसे ये क्या है प्लस तो ये हो गया माइनस, ये माइनस है तो ये क्या हो गया प्लस, ये क्या है प्लस तो ये क्या हो गया माइनस। अब उसके बाद मैं क्या करूंगी, इनको सॉल्व करेंगे कैसे, कि जैसे 2x माइनस 2x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल। अब इसके बाद इसको करेंगे तो 2y प्लस 3y, प्लस 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 होता है, इसको हम इग्नोर करेंगे बीच वाले साइन को। अब क्या हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, तो 3 और 2 5y इक्वल टू, अब इसको करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5y इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 6/5, ये हो गई हमारी y की वैल्यू। अब हमारी y की वैल्यू निकल गई, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे किसी भी इक्वेशन पुट कर देंगे। मान लो मैंने क्या करा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 मान लिया, चलो तो क्या हो जाएगा मेरा 2x है, तो 2x प्लस 2 इंटू में 6/5 इक्वल टू 10, ये चीज हो गई। अब इसको मैं सॉल्व करूंगी, क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 10 माइनस, ये क्या है 12/5, तो ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 12/5। इसको मैं अब सॉल्व करूंगी, यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, एलसीएम ले सकती हूँ, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 5 एलसीएम हो गया। इनको करूंगी तो क्या हो जाएगा 10 5 50 माइनस 12, इसको सॉल्व करा तो क्या हो जाएगा हमारा 38/5। अब ये हो गया, अब इसको मैं क्या कर सकती हूँ, ये देखो ये क्या है मेरा 2x है, तो क्या हो गया 2x इज इक्वल टू 38/5, ये चीज हो गई। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये क्या हो जाएगा 2x इंटू 5 इक्वल टू 38 इंटू 1। इस चीज को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10x इक्वल टू 38, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 38 अपॉन 10। तो इसको सॉल्व कर दो, 2 5 10, 2 1 2, 2 9 18, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 19/5। तो हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, तो हम ऐसे ही इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब जैसे ये हमारा है वर्ड प्रॉब्लम है, अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो हम क्या पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन क्या है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो अब इसको हम कैसे करेंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, क्या लेट करते हैं, लेट द न्यूमरेटर इज एक्स एंड द डिनोमिनेटर इज वाई। अब देखो क्या है बोला गया, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, मतलब कि क्या हो गया x प्लस 1 अपॉन एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मतलब क्या हो जाएगा y माइनस 1। अब क्या हो जाएगा, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, मतलब जो हमें फ्रैक्शन मिलता है वो 1 मिलता है, ये चीज हो गई। अब मैं यहां से पहले इक्वेशन निकाल सकती हूँ, कैसे, मैंने क्या करा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1। इसको मैं सॉल्व करूंगी, तो ये चीज क्या हो जाएगी मेरी, x माइनस y इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1, तो क्या हो गया x माइनस y इक्वल टू माइनस 2, ये हो गई मेरी पहली इक्वेशन। इतना आप लोग समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, इट बिकम्स 1/2। अब 1/2 बन जाता है कब, इफ वी ओनली एड 1 टू द डेनोमिनेटर, मतलब कि बस हम डेनोमिनेटर में एड करते हैं, न्यूमिनेटर में कुछ नहीं करते,
इसका मतलब जो हमारा न्यूमरेटर है वो तो एज इट इज एक्स ही रहेगा, और जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या हो जाएगा, वाई प्लस वन। तो ये हमारा कितना देता है, वन बाय टू। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टू एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस वन। इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन। ये हो गई हमारी दूसरी क्वेश्चन। अब मैं इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ। अब देखो x तो इसमें ऑलरेडी क्या है, अगर x डिफरेंट है लेकिन y तो हमारे ऑलरेडी सेम है, तो हम इनको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, और दूसरी क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू वन। हमें क्या करना होता है, कैंसिल करना होता है किसी को। तो देखो ये दोनों सेम है, अब मैं साइन चेंज कर दूँ, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये चीज़ तो कैंसिल हो गई। अब इसको करेंगे सॉल्व, माइनस माइनस ये सॉरी ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा ये हमारा, माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, थ्री माइनस थ्री। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब जो हमारी x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, थ्री। ये चीज समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो हम y की वैल्यू कैसे कर देंगे, मैंने कर दी इन इक्वेशन वन। तो मैंने क्या करा, इक्वेशन वन क्या थी हमारी, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, तो कर दो x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो थ्री माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू। तो माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टू माइनस थ्री, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस फाइव। तो माइनस माइनस कैंसिल, मतलब y की वैल्यू भी हमारी कितनी आ गई, फाइव। क्या है बाद में, एगो हो बिफोर हो तो उसका मतलब होता है माइनस करना है, और लेटर हो नाउ हो हैंस हो तो प्लस करना होता है। जैसे क्या है, फाइव ईयर्स एगो, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने लेट कर लिया, क्या कर, लेट न्यूरीज एज एक्स, और फिर इसके बाद दूसरा कौन है, न्यूरीज और सोनू, सोनूस एज वाई। ये चीज हो गई। अब इसके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, क्या बोला गया है, फाइव ईयर्स एगो, तो मतलब कि फाइव ईयर्स लिख देंगे यहाँ पे, फाइव ईयर्स एगो। तो क्या हो जाएगा, हमारी न्यूरी की एज कितनी हो जाएगी, न्यूरी की एज कितनी हो जाएगी, पांच कम हो जाएगी, तो एक्स माइनस फाइव, और हमारी जो सोनू की एज है, सोनू एज कितनी हो जाएगी हमारी, y माइनस फाइव। अब बोलो कि माइनस क्यों करते हैं, क्यों, अगर मैंने आप लोगों से ही बोला कि अगर अभी आप लोगों की एज अगर 10 साल है तो 5 साल पहले कितनी थी, तो आप क्या करोगे, उसमें 5 माइनस कर दोगे। सिमिलरली ऐसे ही करेंगे कि हमने माना कि नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो x है, और सोनू की प्रेजेंट एज क्या है, y। अब देखो इसके बाद क्या बोला गया है, नूरी वॉज थ्राइज एज ओल्ड एज सोनू, मतलब कि क्या हो जाएगा, ये जो नूरी है वो क्या है, थ्री टाइम्स उससे बड़ी है। तो देखो ये हो जाएगा, इसको हम ऐसे कर देंगे, इसको हम सॉल्व करके इक्वेशन वाई बन जाएगी, एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस टेन। ये बन गई इक्वेशन पहली। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला गया है, टेन ईयर्स लेटर, मतलब कि 10 साल बाद जो नूरी की एज है वो ट्वाइस हो जाती है। तो मतलब कि अब यहाँ पे लिखेंगे टेन ईयर्स नाउ, तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा, नूरी की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस टेन, और जो हमारा सोनू है उसकी एज कितनी हो जाएगी, y प्लस टेन। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैंने बताया था नूरी की एज क्या है, वो उससे हमारी टू टाइम्स हो जाती है। तो x प्लस टेन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y प्लस टेन। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस टू वाई इक्वल टू टेन। ये चीज़ हो गई, ये मेरी हो गई दूसरी क्वेश्चन। अब आप इन दोनों को आगे सॉल्व कर लेना, देखो x x सेम है तो ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे वैसे भी, तो आगे आप लोग सॉल्व कर लेना। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन है इसका, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। द सम ऑफ अ डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज नाइन। अब बोला गया कि सम है डिजिट का, टू डिजिट नंबर है उसका सम क्या है, नाइन। तो सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला याद रखो, नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, टेन इंटू में टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस, ये होता है फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट यूनिट प्लेस हमारा क्या है, यूनिट डिजिट मान लो x है, और टेंस प्लेस डिजिट क्या है, y। इतना समझ में आया। अब देखो क्या बोला गया है, दोनों का सम क्या है, नाइन। तो सबसे पहले तो ये मेरी क्वेश्चन बन जाएगी इजी है वाली, तो पहली क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू नाइन, ये हो गई पहली क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऑल्सो नाइन टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अब देखो क्या बोला गया कि जो क्या है नाइन टाइम्स में, अब देखो जो हमारा नंबर का फॉर्मूला होता है, नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था, तो नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 10 इंटू टेंस प्लेस क्या है हमारा, y प्लस एक्स, ये बन गया। तो अब देखो क्या बोला गया है, जो ऑल्सो नाइन टाइम्स दिस नंबर, मतलब जो नंबर है
वो क्या होता है ट्वाइस हो जाता है उसको अगर हम रिवर्स कर दें, और अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, जैसे ये नंबर है इसको हम रिवर्स कर देते हैं, रिवर्सिंग नंबर कितना हो जाएगा हमारा 10x plus y। अब देखो क्या बोला था हमने इसमें कि वो ट्वाइस हो जाता है रिवर्सिंग की, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 9 times द नंबर, तो ये हो गया, ये कितना हो जाता है ट्वाइस हो जाता है रिवर्सिंग नंबर के। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 90y plus 9x equal to 20x minus plus का 2y। x वाली टर्म एक जगह ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 9x minus का 20x plus का 90y minus का 2y equal to 0। इसको सॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा हमारा -11x plus का 88y equal to 0। अब देखो सारे एक नंबर से कट रहा है तो हम इसको कर सकते हैं क्या 11 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा -x plus का 8y equal to 0। ये हो गई मेरी दूसरी इक्वेशन। तो दो इक्वेशन तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये तो ऐसे कैंसिल हो गई, क्या हो जाएगा 9y equal to 9, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 9/9, मतलब कि y की वैल्यू कितनी हो गई 1। ये हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं इसको इक्वेशन पुट में कर 1 में पुट कर सकते हैं इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी x plus y equal to 9, तो क्या हो जाएगा हमारा y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू कितनी हो गई 9 minus 1, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 8। अब हम क्या कर सकते हैं जो हमारा नंबर था नंबर में हम डाल देंगे क्या 10y plus x, तो कितना हो जाएगा 10 into 1 plus x। इसको सॉल्व करें तो 10 plus 8 कितना हो गया 18। ये हो गया। अब हम इसको रिवर्स करते हैं 10x plus y, तो कितना हो गया 10x की वैल्यू 8 है प्लस 1, तो कितना हो गया 80 plus 1, को ये 81 है और ये हमारा 18 है, तो देखो दोनों रिवर्स हो रहे हैं 1881, मतलब कि हमारा आंसर सही है। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, बाकी ये बच्चे क्वेश्चंस हैं ये आप लोग ट्राई करना, नहीं हो तो आप मुझे बताना, मैं पक्को बता दूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस करने हैं, और साथ में आप लोग एग्जांपल्स भी करना। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।